सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर क्रोम ऐप के ऊपर। अगर आप यहाँ पर क्रोम को अपडेट करना चाहते हैं और वो अपडेट नहीं हो रहा है तो आप किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह से क्रोम को अपडेट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने क्रोम ऐप को यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर राइट में दिख रहा है ये अपडेट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें लिख क्या रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रोम का अपडेट वो अवेलेबल है, ठीक है, न्यूअर वर्जन इज़ अवेलेबल। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं प्ले स्टोर पर। तो आप प्ले स्टोर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये लिख के आ रहा है अपडेट का ऑप्शन, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या होता है कि जब अपडेट पर क्लिक करते हैं तो जो हमारे ऐप है वो अपडेट होने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्लिक करता रहूँगा और ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ और ये अपडेट नहीं हो रहा है, जबकि और ऐप्स होते हैं वो तुरंत ही अपडेट हो जाता है। ये क्या इस तरह से घूमता रहेगा और फिर यहाँ पर लिख के आ जाएगा अपडेट, मतलब कि अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो हमको अपडेट करने के लिए क्या करना है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो अपना नेट चेक कर लीजिएगा, जो आपका नेट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है कंप्लीट तरीके से, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पर जाइएगा तो जो आपका फ्लाइट मोड होगा उसको एक बार बंद करके ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ऑफ़ करके ऑन कर लीजिएगा तो जो नेट का प्रॉब्लम होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, मतलब जो ऐप्स होंगे आपके मोबाइल पे वहाँ पर जाना है। फिर यहाँ पर दोस्तों देखना है आपको क्रोम को, ठीक है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है क्रोम को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है स्टोरेज एंड कैश पर जाना है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पर मुझे क्लिक करना है क्लियर स्टोरेज, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लियर स्टोरेज कर दिया है। तो ये लिखा हुआ है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लियर ऑल डेटा पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और ओके पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं अब यहाँ पर प्ले स्टोर पर गया और देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपडेट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। सो गाइस, इस तरीके से आप यहां पर क्रोम ऐप को यहां पर अपडेट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।